नमस्कार दोस्तों, तो IQ Neo 6 स्मार्टफोन है। इस पर अभी डिस्काउंट काफ़ी अच्छे लेवल का है और यहाँ पर जो डिस्काउंट मेंशन किया गया 3000 का, वो है डिस्काउंट ICICI बैंक के साथ। तो इस डिस्काउंट को कैसे अप्लीकेबल करना है और आप एक्सचेंज करते हो तो एक्सचेंज के साथ ये बैंक ऑफर कैसे अप्लीकेबल होगा, आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे पूरे लाइव प्रूफ के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इनके तबियत को समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, IQ Neo 6 स्मार्टफोन है, इसका लॉन्च किया गया कल और कल से ही इसका सेल स्टार्ट है और अभी जो डिस्काउंट है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है। लेकिन यहाँ पर जो न्यू 6 स्मार्टफोन है, इसका स्टॉक भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑफर है, खास करके बैंक ऑफर, वो आपको मिलने वाला है ICICI बैंक के साथ। तो इस डिस्काउंट को कैसे अप्लीकेबल करना है और यहाँ पर जो एक्सचेंज को मेंशन किया गया है, तो एक्सचेंज करने के बाद आपको बैंक ऑफर या फिर अमेजन कूपन ऑफर कैसे लेना है, सभी को हम पूरे लाइव प्रूफ के साथ चेक करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे, मैंने यहाँ पर अमेजन का एप्लीकेशन खोल रखा हूँ और मैंने यहाँ पर IQ Neo 6 5G स्मार्टफोन को भी ओपन कर रखा हूँ। इस पर डिस्काउंट काफ़ी अच्छे लेवल का है। अगर हम डिस्काउंट की बात करें, हालांकि डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा हूँ, तो यहाँ पर 3000 का डिस्काउंट है जो कि है ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ, और यहाँ पर 1000 का अमेजन कूपन है और 3000 का मिलेगा आपको एक्सचेंज बाउंस। मतलब अगर आप किसी ओल्ड फोन को देकर इस फोन को बाय करते हो तो मिलेगा 3000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो देखिए, यहाँ पर जो न्यू 6 स्मार्टफोन है, इसका स्टॉक काफ़ी कम है। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, अभी इस पर डिस्काउंट काफ़ी अच्छे लेवल का है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर जो अमेजन कूपन है 1000 का, वह अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बैंक ऑफर जो कि है 3000 का। मतलब अगर आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3000 का डिस्काउंट और ये डिस्काउंट मिलने वाला है 5 जून तक। तो चलिए, सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, तो उसे डायरेक्ट में बाय करते हैं विदाउट एक्सचेंज का और देखते हैं किस तरीके से डिस्काउंट मिलता है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे, मैंने यहाँ पर बाय नाउ कर दिया हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 1000 का अमेजन कूपन है, वह अप्लाई हो चुका है। उसके बाद नीचे में देखेगा तो यहाँ पर मैंने ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड ऐड करके रखा हूँ और इसके अंदर बता रहा है कि आपको मिलेगा 3000 का डिस्काउंट जो कि नीचे में है। आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 3000 का आपको मिलेगा ICICI बैंक के साथ डिस्काउंट और 1000 का ओपन हो गया अमेजन कूपन। तो मैं अगर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 4000 का डिस्काउंट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जान लिया कि बैंक ऑफर को कैसे अप्लीकेबल करना है। उसके बाद अगर हम बात करके एक्सचेंज के साथ आप बैंक ऑफर को कैसे अप्लीकेबल कर सकते हो, इसके लिए मैं यहाँ पर एक ओल्ड फोन को ऐड करता हूँ और ओल्ड फोन में मैं इस बार फिर से पोको X3 प्रो को ही ऐड करता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ नो डैमेज और इस पर क्लिक करने के बाद करता हूँ कंटिन्यू। ये करने के बाद पूछेगा IMEI नंबर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर IMEI नंबर को पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद करता हूँ इंटर। इंटर करने के बाद करता हूँ अप्लाई एक्सचेंज और नीचे में कुछ कंडीशन है जिसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद करता हूँ अप्लाई एक्सचेंज। ये करने के बाद प्राइजिंग कुछ इस तरीके से आ गया है। आप यहाँ पर देख पाओगे, इसका जो प्राइजिंग है वो अभी मेंशन किया गया है 12,200 रुपये। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो 12,200 रुपये है, इसमें एक्सचेंज ऑफर भी ऐड है। मतलब एक्सचेंज बाउंस के अंदर जो 3000 का डिस्काउंट है वो अभी अप्लीकेबल होना शुरू हो गया है। आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफर है, इसको ऐड करने के बाद और अमेजन कूपन को ऐड करने के बाद मुझे रेस्ट अमाउंट पेमेंट करना होगा जो कि है 16,899 रुपये। अगर मैं इस बैलेंस को पे करता हूँ ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो मुझे कैसा डिस्काउंट मिलेगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से करता हूँ बाय नाउ और बाय नाउ करने के बाद आप यहाँ देख पाओगे पेमेंट का पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और पेमेंट के पेज पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर अभी भी मेंशन किया हुआ है कि 3000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो 3000 का डिस्काउंट है, इसके अंदर क्राइटेरिया है कि अगर आप 15,000 या फिर इससे ऊपर का पेमेंट करते हो तो आपको 3000 का पक्का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप एक्सचेंज करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो आपको यहाँ पर 3000 का डिस्काउंट मिलेगा ही, बस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो आपने यहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में जान लिया कि आप नॉर्मली बाय करते हो तो डिस्काउंट किस तरीके से लेना है और आप एक्सचेंज के साथ बाय करते हो तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा। और अभी जो है एक्सचेंज पे भी एक्स्ट्रा बाउंस मिलना शुरू हो गया है, तो आपको बाय करना है एक्सचेंज के साथ तो बाय कर सकते हो। एक्सचेंज पे भी आपको बैंक ऑफर 100% मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले थे। उम्मीद करता हूँ वो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।